हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। तो आज का जो हमारा पर्पज़ है वो एसी का पाइप कैसे इंस्टॉल करना है, अंडरग्राउंड इंस्टॉल करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा पूरा फेस पाउडर से पीओपी से पूरा रंग हो गया है। तो अभी जो हम वीडियो डालेंगे एसी का कॉपर पाइप अंडरग्राउंड वॉल के अंदर कैसे, यहाँ पर वॉल के अंदर हम लोग जरी मार रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जरी निकाल के पूरा माल मटेरियल निकाल के अंदर का, इसमें हमें कॉपर पाइप डालना है। सो अभी कॉपर पाइप अंदर चला जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ से होल किया है हमने, तो यहाँ से अभी एसी का पाइप जो है कॉपर पाइप यहाँ से हम लोग ग्राइंड करके उसको बाहर निकालेंगे। चला चला चिपिंग करूंगा यहाँ से, ड्रिल मशीन से चिपिंग करके इसको पूरा, जितना भी आपका ये मटेरियल है उसको ऊपर पूरा रिमूव करेंगे इसको, उसके बाद पाइप डालेंगे इसमें। तो ये अभी हमारा झिरी का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एसी कहाँ पे लगा रहे हैं? एसी हमारा इधर आएगा, ये आपका एसी आ जाएगा। तो यहाँ से इतना आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका ये पाइप पूरा दिखेगा नहीं आपका, और आउटडोर हमारा बाहर एग्जिट में आएगा। लोकेशन है जिसमें आपका आउटडोर हैंग कर देंगे, यहाँ से पाइप को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से एक एल बैंड देकर आपको आउटडोर को उसको कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही रिस्क वाला काम है ये, और सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब होते हैं इसमें। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा पूरा कपड़ा ख़राब हो गया है झिरी मारने में। तो चलते हैं आगे की ओर। ये जो जगह है ये बेंगलुरु में स्थित है, इस एरिया का नाम है हेगड़े नगर। तो हम यहाँ आज पाइप इंस्टॉल करने आए थे, तो चलते हैं अंदर की ओर। उसके बाद दोबारा से इसको चिपिंग करेंगे। तो अभी फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है, सेकंड अभी बाकी है। तो चलते हैं आगे की ओर। हमारा झिरी कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसमें एक बार और ग्राइंडर से इसको कट करेंगे, उसके बाद फिर से चिपिंग करना पड़ेगा। एक्चुअली डिप कम है, जो इसका डिप होता है लगभग 1.5 से 2 इंच अंदर रहता है, तो ये डिप है हमारा, ये डिप बहुत कम है। कॉपर पाइप इसके अंदर जाना चाहिए, तो जब तक कॉपर अंदर नहीं जाएगा तब तक हमारे को लेवल नहीं मिलेगा इधर से। तो अभी कॉपर पाइप अंदर डालने के लिए इधर थोड़ा थोड़ा और कट करना पड़ेगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बीच में रॉड आ गया है, MS का रॉड आ गया है मेटल का, तो इसको हमें ग्राइंडर से कट करना पड़ेगा, तब जाके ये हमको आगे के लिए थोड़ा इजी रहेगा काम करने को। तो गाइस ड्रिल मशीन हमारा बहुत गर्म हो गया है,
छूने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना हीट हो गया है, तो इसको भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। पाइप का लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसकी जो डिप है वो बहुत कम है, तो अभी हमें 1 इंच डिप और करनी पड़ेगी, तो करते हैं इसकी 1 इंच डिप और दे रही। इसके बाद आपने कैसी हालत हो गई मेरी, ये काम जितना कमाई वाला है ना उतनी मेहनत भी है इस काम में। तो अभी हमने जो कटिंग करनी थी वो हमने कर दी है, अब हम यहाँ पे फिर से चिपिंग करेंगे। चिपिंग करके थोड़ा डीप ज़्यादा हो जाएगा तो पाइप बैठाने में हमको आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने आगे अगले पड़ाव पर और दिखाते हैं आपको कैसे पाइप इंस्टॉल किया जाता है कंसीलर। अभी आपको दिख रहा है एक सरिया है और एक सरिया इधर है और एक इधर और एक इधर और एक इधर, 5 सरिया हैं टोटल। तो 5 तो हम नहीं काट सकते, 2 को हम निकाल सकते हैं, वो बहुत अंदर है। तो डिप के अनुसार अगर देखा जाए तो ये भी नहीं काटने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इसको निकाल लेते हैं। तो चलते हैं इसको निकालने के लिए, देखते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जरूरत नहीं है निकालने की, अंदर ही दबा देता हूँ। तो देखा जैसा कि मैंने देखा ये बेंड कर दिया है मैंने, तो अभी इसको काटने की जरूरत नहीं है, इसको अंदर दबा दिया है हमने, पाइप इसके ऊपर आ जाएगा आराम से। हमको डिप काफ़ी मिल चुकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी डिप आ चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ और पाइप डालने की तैयारी करते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पाइप डाल रहे हैं, अब ये हमारा पाइप झीरी के अंदर ग्राउंड चला गया है। तो ये अभी हमारा पाइप अंदर चला गया है वॉल के, अब हमें ड्रेन पाइप डालना है इसमें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, कंसील पाइपिंग में ड्रेन पाइप साथ में ही जाता है। तो ड्रेन पाइप डालते हैं भाई। तो फ्रेंड्स ये जो पाइप है पीवीसी पाइप है, इसको हम ड्रेन के काम में लेंगे, जो इसका एसी का पानी आउटलेट करेगा वो इस पाइप में जाएगा। तो अब ये पाइप हमारे टेक्नीशियन हैं ये डाल रहे हैं, तो अभी ये पाइप पूरा डल चुका है, ड्रेन पाइप भी आप देख सकते हो, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इसका लुक कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स ये जो ड्रेन पाइप डाला है हमने, ये यहाँ से आके निकला है और ये पाइप अभी इसमें एक एल्बो लगाएंगे, तो ये एल्बो लगाने के बाद सीधा नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी हमारा पाइपिंग तो कंप्लीट हो गया है, देख लो आप, और कमेंट में ज़रूर बताना ये पाइपिंग हमारा कैसा हुआ है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा हमारे अंदर क्या कमी है। अपनी कमी को पूरा करने के लिए आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो कमेंट करिए, लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमें, ताकि आगे अच्छा अच्छा अपडेट देने का एक मौका दीजिए गाइस हमें। तो चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, अपने केबल डालना है अभी हमें, वो वायर केबल वायर डालना है इसमें, 2 केबल वायर जाएगा। तो फ्रेंड आप जैसा कि देख रहे हैं हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, पाइपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं जूम करके हमारा पाइपिंग कैसा लगा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भाई एसी टेक्नीशियन है वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी मैं बाहर की ओर लेकर चलता हूँ आपको, और एक जो काम हम लोग करते हैं गंदगी करते हैं उसको साफ करने का आपका ही राइड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें पूरा क्लीन करना पड़ रहा है यहाँ से, ये सभी हमें कचरा पूरा कचरा साफ किया हमने यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं बाहर की ओर, आपको दिखाते हैं पाइपिंग हमारा कैसा हुआ है। तो ये हमारा पाइपिंग बाहर आ गया है अभी, यहाँ से हमने बाहर निकाला, और ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये वाला,
ये आपका ड्रेन पाइप है, पानी इसमें से आएगा आउटलेट और ऊपर पाइप गया है, दो केबल छोड़ दिया है हमने, पॉइंट इधर ही आएगा आपका, एसी का पॉइंट जो होता है वो इधर ही आएगा पावर पॉइंट, और यहाँ आपका आउटडोर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये पाइप हम आउटडोर में कनेक्ट कर देंगे, बट अभी इसको लगभग 15 से 20 दिन लगेगा।